हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 10 जो कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर होगा और ये हमारा आर एस सर्वर से होगा। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में सर प्रीवियस एक्सरसाइज और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया हुआ है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। एक्सरसाइज 10 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इफ़ टेन थीटा इक्वल टू 15/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज, यानी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी और यहाँ पे हम अपना ट्रिक लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि। तो ये हमारा ट्रिक हो गया। अब यहाँ पे ये भी हम लिख लेते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये हमें यहाँ पे मेरे पास टेन थीटा जो है वो गिवेन है, टेन 15/8। बाकी जो पांचों है ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम टेन को देख लेते हैं, 1, 2, 3 नंबर पे टेन, यानी इसका जो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर हमें गिवेन है 15 और बेस हमें गिवेन है 8। निकालना हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए सी इक्वल टू अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी बेस यहाँ पे जो है मेरे पास वो है 8 और जो परपेंडिकुलर है वो है 15। 8 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर करेंगे 225, यानी ये मेरे पास हो जाएगा जब ऐड करेंगे तो 5 4 9 6 2 8 2 289, और 289 जो होता है ये 17 का स्क्वायर होता है, यानी जो हमारा हाइपोटेनस है वो आ गया 17। अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है तो परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेनस जो है 17। कॉस थीटा जो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी बेस 8 है, लिख लेते हैं पहले बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस जो है 8 है, हाइपोटेनस जो है 17 है। अगेन कॉट थीटा, या फिर पहले हम कॉसिक थीटा निकाल लेते हैं, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसिक, यानी साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी यहाँ से अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 17/15। सेक निकालना है तो सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है ना, बेस बाई हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, यानी 8/17 का हो जाएगा 17/8। कॉट है तो कॉट टेन का इन्वर्स होता है, यानी टेन जो है परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी 8/15। तो इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट होगा, आप इसको एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज, यानी ये भी प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही है। पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी ये हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो लिख लेते हैं हम पहले साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा, और यहाँ पे जो साइन थीटा होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा जो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा जो होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस, और जो टैन होता है वो कॉट का इन्वर्स होता है, यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर सेक, और टैन थीटा का देखेंगे तो टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ कॉट फाइंड करना है तो टेन का अपोजिट होता है कॉट, यानी हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक फाइंड करना है तो कॉस का अपोजिट होता है नहीं बेस बाई हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस बाई बेस, और कॉसेक साइन का अपोजिट होता है यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अब अगेन हमारे पास कॉट जो है, कॉट क्वेश्चन में गिवन है 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/1, यानी बेस है 2 और परपेंडिकुलर है 1, बेस 2 परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस फाइंड करना है, यानी एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर,
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 1 यानी हो जाएगा 5। तो यहाँ मेरे पास हाइपोटेनस आ गया 5। अब हम सारे रिजल्ट को निकाल सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस यानी सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर मेरे पास है 1, हाइपोटेनस है रूट 5। कॉस में होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस जो है मेरे पास 2, हाइपोटेनस रूट 5 यानी 2 बाई रूट 5। टेन परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस 2 है। कॉट तो ऑलरेडी मेरे पास गिवन है। सेक हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस जो है हमारा रूट 5 है और बेस जो है वो है 2। और लास्ट है जो कॉसेक हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस है हमारे पास रूट 5 और परपेंडिकुलर जो है 1। तो इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट होगा, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इफ कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज, यानी इस क्वेश्चन में हमसे कॉसेक थीटा पूछा, कॉसेक थीटा गिवन है, बाकी सारे फाइंड करने हैं। ए बी सी, और यहां पे हम लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। सारे को हम लिख लेते हैं। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा जो होता है, यहाँ पे हम ट्रिक भी लिख दिए हैं, तो कॉस थीटा जो होता है बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, यानी ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। कॉट जो होता है टेन का अपोजिट होता है, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, चूंकि ये परपेंडिकुलर बाय बेस है तो इसका इनवर्स। कॉसेक थीटा जो है ये साइन का अपोजिट होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब मेरे पास गिवन है कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट 10, यानी ये हो जाएगा रूट 10 बाय 1। हाइपोटेनस जो है मेरे पास वो गिवन है रूट 10, और परपेंडिकुलर जो है 1, यानी हमें बेस फाइंड करना है। तो बेस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं बी सी इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, तो दोनों बात सेम ही होगा। एच ये हमें गिवन है रूट 10 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, यानी रूट 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट 10 इंटू रूट 10 ये हमारे पास हो जाएगा 10, चूंकि रूट 10 में रूट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, यानी ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमें बेस मिल गया 3। अब रिजल्ट हमें लिख देना है साइन थीटा जो है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई एच है, तो परपेंडिकुलर जो है मेरे पास 1 है और हाइपोटेनस जो है रूट 10 है। बेस बाई हाइपोटेनस, यानी बेस जो है मेरे पास 3 है, हाइपोटेनस जो है रूट 10 है। अगेन टेन परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस जो है हमारा 3 है। सेक थीटा फाइंड करना है हाइपोटेनस बाय बेस, सेक हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस जो है रूट 10 है और बेस जो है 3 है। अगेन कॉट फाइंड करना है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास 3 है और परपेंडिकुलर तो 1 है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो ऑल टी रेशियोज हैं ये फाइंड हो गए हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर एक बार नोट डाउन।